द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास का ऐलान, 3700 करोड़ की वार्षिक योजना को मिली मंजूरी। सरकार पर फिर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप। 12 सालों से कार्यरत कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उठाई नियमित करने की मांग, प्रशासन पर नजरअंदाज करने का आरोप। सेब उत्पादक संघ ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा किसानों और बागवानों की हितैषी नहीं है सरकार। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। योजना आयोग ने वर्ष 2012-2013 के लिए हिमाचल की वार्षिक योजना 3700 करोड़ रुपए निर्धारित की है। इसे योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये पिछली वार्षिक योजना से 12.12% अधिक है। ये ऐलान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बिलासपुर में नलवाड़ी मेले के समापन समारोह के मौके पर किया। धूमल ने कहा कि ऊना की तर्ज पर बिलासपुर की सीरखड का भी तटीयकरण किया जाएगा। हिमाचल की वार्षिक योजना को योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012-2013 के लिए 3700 करोड़ की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि उससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। वार्षिक योजना के लिए हमारा प्लान डिस्कशन था। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, नए वर्ष के पहले दिन सबसे पहले सारे देश में हिमाचल प्रदेश की योजना पास हुई है 3700 करोड़ रुपए की। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के समापन समारोह के मौके पर विलासपुर आए मुख्यमंत्री ने कहा कि विलासपुर शहर के लिए आईपीएच विभाग 176 करोड़ की पेयजल योजना तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विलासपुर की सीर खड्ड का भी तटीयकरण किया जाएगा। इस पर 23 करोड़ 17 लाख की धनराशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि देश में पहले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास अगले महीने होगा। बहुत सारे विकास के काम और होंगे। अगले महीने ही हमारा प्रयास है कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का भी फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाए। धूमल ने कहा कि सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी की वेबसाइट के जरिए श्रद्धालु शक्तिपीठ के लाइव दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने 1.6 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आईपीएच विभाग के सर्किल भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कुश्तियों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। नैना देवी जी का अभी हमने वेबसाइट लॉन्च की है, अब आप घर बैठे बैठाए भी दर्शन कर सकेंगे। इससे पूर्व मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पार्श्व गायक कुणाल गांजावाला की धूम रही। उन्होंने अपनी गायकी से मेले की आखिरी संध्या को यादगार बना दिया। कुलभूषण चंबा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार की जोरदार घेराबंदी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण दे रही है। ऊना दौरे पर आए कौल सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ऊना दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। बीजेपी के विधायक खुद अपनी सरकार पर उनके क्षेत्र के विकास न होने के आरोप लगा रहे हैं। जिले में एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटी है, एक ही पंचायत में 3 यूनिवर्सिटियों और 3 प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। जो शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं, इसका हमने तो विरोध किया, निजीकरण और व्यापारीकरण। भारतीय जनता पार्टी का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उन्होंने भी प्रदेश स्तर पे जो है प्रदेश स्तर पे इसकी अपनी सरकार के खिलाफ जो है जलसे जुलूस किए। कौल सिंह ने आरोप लगाया है कि हिमाचल की जमीनों को गैर हिमाचलियों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। उन्होंने शिक्षा का व्यापारीकरण करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने मिलकर के हिमाचल को बेचने का एक मन बनाया है। हिमाचल की 1,25,000 बीघा जमीन हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म मेंटेनेंस एक्ट के तहत 2018
धारा के तहत जो है परमिशन दे दिया गैर हिमाचलियों को, जिसमें ज्यादातर पंजाब के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस के प्रदेश मुखिया ने कहा है कि मेडिकल हब के नाम पर बाबा रामदेव को जमीन दे दी गई है, लेकिन वास्तव में ये जमीन उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण के नाम है, जो कि नेपाली नागरिक हैं। लीज नेपाली नागरिक के नाम पर करने को लेकर भी कौल सिंह ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा है कि धूमल सरकार हर एक वर्ग के हितों का ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए कई स्कीमें चलाई हैं। जोगेंद्र नगर के चौतड़ा में आयोजित कृषि प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने सरकार की विभिन्न स्कीमों को गिनाया। उन्होंने कई स्कीमों के लाभार्थियों को राहत राशि भी वितरित की। महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम है और उसके तहत जो आपको लाभ सरकार की तरफ से आज जिन लाभार्थियों को यहाँ बुलाया है उनको दिया भी जाएगा। हिमाचल प्रदेश चौधरी सर्वन कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक अपनी मांगों पर अडिग हैं। नियमितीकरण को लेकर शिक्षक व विश्वविद्यालय प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें नियमित नहीं कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षक इन दिनों हड़ताल पर हैं। ये शिक्षक विश्वविद्यालय प्रशासन से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। ये शिक्षक पिछले 12 सालों से कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के विमल शेखरी ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। बात वही टेढ़ी है जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है विश्वविद्यालय का, वो कुलपति जी जाने। हमारा जो एरियर लंबित पड़ा है उसके लिए हमारे शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण मांग एरियर के साथ साथ जो लोग 20 वर्षों से तदर्थ पदों पर नियुक्त हैं और को टर्मिनस हैं उनका जल्दी से जल्दी नियमितीकरण करना है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के कुलपति एस के शर्मा व रजिस्ट्रार रूपाली ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शिक्षकों व गैर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन गैर कानूनी है। शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला सरकार के पास भेजा गया है। हमने उनको बुलाया और खुद चले गए बाहर, तो ऐसी बातें हैं। और हमें कर्मचारियों से हम अपील भी कर रहे हैं, अपील जारी कर रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम हमें पोस्टपोन करने पड़े। संस्था में नेगोशिएशन तो होती है ना, गिव एंड टेक। आपकी 15 डिमांड है, 10 अभी मानी जाती हैं, 5 अभी मानी जाती हैं, बाद में धीरे धीरे सारी हो जाती हैं। बहरहाल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शिक्षकों व गैर शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला तूल पकड़ने लगा है। शिक्षकों की हड़ताल का असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। संजीव राणा, हिमाचल आजकल, पालमपुर। हिमाचल सेब उत्पादक संघ व किसान संघ ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है। प्रदेश की जनता आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकार जंगली जानवरों से किसानों और बागवानों को निजात दिलाने में असफल रही है। उत्पादक संघ का आरोप है कि ठियोग में गैस सिलेंडर महंगे दामों पर मिल रहे हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष राकेश सिंघा ने कहा है कि प्रदेश में करीब 70% लोग किसानी पर निर्भर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों व बागवानों के हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिला शिमला के ठियोग में लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और ठियोग में गैस के दाम 57 रुपए अधिक हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी नकम्मी सरकार जो बिल्कुल और इसका जो तंत्र है आज तक सामने नहीं आई उन घपलों को बेनकाब करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। और जो पूरा का पूरा जो उपभोक्ता है गैस का, जो जिसकी संख्या लगभग 23,900 है, उस उपभोक्ता को ऐसी कठिनाई में डाल दिया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तवर ने कहा है कि प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन में जंगली जानवर सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भू माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं। तो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित समस्याएं हैं और आपके माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने जो बात रखना चाहते हैं, मेमोरेंडम में भी ये बात कही है कि हिमाचल शिमला का जो सराउंडिंग हमारा एरिया है, ये ठियोग से जो स्टार्ट होता है, इस एरिया के अंदर आज ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंड माफिया इतना सक्रिय है। सेब उत्पादक संघ व किसान सभा भी लोगों के आंदोलन का समर्थन करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल।
बीजेपी के शिमला जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने दावा जताया है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसी की बदौलत राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय 58 पुरस्कार मिले हैं। चौपाल के बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर राधा रमन शास्त्री छिटक कर हाल ही में हिलोपा में चले गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राधा रमन बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला पाए। अब की बार बीजेपी नए उम्मीदवार की तलाश में है। पार्टी ने चौपाल के नेरवा में कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। सम्मेलन में पहुंचे जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने दावा किया है कि चौपाल का विकास करवाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा, धूमल प्रदेश का अभूतपूर्व विकास करवा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा समय हो गया है और ये जो सारी उपलब्धियां है आज तक नहीं हो पाई है। पहली बार मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने प्रदेश के हर वर्ग के लिए, हर वर्ग को अपने पांव पर खड़ा किया है और आर्थिक दृष्टि से उसको मजबूत किया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि चौपाल में विकास को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री अगले महीने क्षेत्र का दौरा करेंगे। सम्मेलन में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने सरकार का गुणगान किया। राजेंद्र त्यागी, हिमाचल आजकल, चौपाल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रपटों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। धूमल ने किया राज्य के सर्वांगीण विकास का ऐलान, 3700 करोड़ की वार्षिक योजना को मिली मंजूरी। सरकार पर फिर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप। 12 सालों से कार्यरत कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उठाई नियमित करने की मांग, प्रशासन पर नजरअंदाज करने का आरोप। सेब उत्पादक संघ ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा किसानों और बागवानों की हितैषी नहीं है सरकार। पूर्व संसदीय सचिव ठाकुर सिंह भरमौरी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में दौरे करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने दौरे की शुरुआत भरमौर जनजातीय क्षेत्र की बटोत पंचायत से की। इस मौके पर पूर्व विधायक ने धूमल सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। भरमौर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी ने चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बटोट पंचायत के दौरे पर आए भरमौरी का स्थानीय लोगों ने खूब जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अभियान की शुरुआत मंदिर में समर्थकों सहित पूजा अर्चना के बाद की। लोगों ने पूर्व विधायक को सिक्कों से तोला। अपने स्वागत से खुश दिखे भरमौरी ने सरकार पर भरमौर के साथ भेदभाव बरतने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो विकास पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था, मौजूदा सरकार उसे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। मेरे लोगों का प्यार है और 5 सालों में जो इनके साथ अन्याय हुआ है, जो इनको लच्छेदार भाषण करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खास करके इस वक्त जो माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हैं, वो जनसभा करने इलेक्शन के दौरान भरमौर आए थे एक मर्तबा, 5 सालों में एक मर्तबा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में खुले शिक्षण संस्थान बगैर शिक्षकों के चल रहे हैं। उन्होंने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। और सिक्के से उतोलाने का कारण है सर, हमारे ग्राम पंचायत ब्लोट और खुंदेल में जितना भी विकास हुए ठाकुर सिंह भरमौरी के कार्यकाल में हुए, क्योंकि हमारे दुर्गम क्षेत्र के इलाके हैं सर। यहाँ में जो शिक्षा व्यवस्था ठीक की इन्होंने की, मेरी ग्राम पंचायत ब्लोट में 3 मिनट स्कूल है सर, और ग्राम पंचायत ब्लोट और खुंदेल छोटे से एरिया में इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला। और अभियान में पूर्व विधायक को जनता का समर्थन मिल रहा है। भरमौरी का दावा है कि ये समर्थन और बढ़ता जाएगा। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा।
प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने कहा है कि ट्यूबोकुलोसिस यानी टीबी जानलेवा रोग है, लेकिन इसका उपचार संभव है। धवाला आज विश्व टीबी दिवस के मौके पर देहरा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर चिकित्सक विशेषज्ञों ने टीबी के लक्षणों और इसके निदान की जानकारी दी। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई व्यक्ति खांसी से ज्यादा दिन तक पीड़ित रहे तो उसे तत्काल टीबी सेंटर में डॉक्टरों से चेकअप करवाना चाहिए। राज्य सरकार भले ही सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार करने का दम भरती हो, लेकिन शिमला जिले की खस्ता हाल सड़कें सरकार को आईना दिखा रही हैं। चौपाल उपमंडल के हाल भी बेहाल हैं। जिले के कई इलाके अभी भी सड़क सुविधा से महरूम हैं, जहां जो सड़कें हैं वो उचित रखरखाव न होने से दुर्दशा झेल रही हैं। लोक निर्माण विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा महकमा माना जाता है। जितना बड़ा महकमा उतनी ही सुस्त कार्यशैली। शिमला के चौपाल क्षेत्र की खराब हालत में पड़ी सड़कें तो खुद ब खुद अपनी पूरी कहानी बयां कर रही हैं। अगर बात की जाए चौपाल बाजार की तो यहां पुलिस थाने के नजदीक 10 महीने पहले सड़क धस गई थी। यहां पर विभाग ने दीवार खड़ी नहीं की बल्कि तारकोल के खाली ड्रमों पर ही सड़क खड़ी कर दी, जो सरेआम सड़क हादसों को न्योता दे रही है। पीडब्ल्यूडी की नाकामी की वजह से चौपाल में रोड की बुरी हालत है। मेन बाजार चौपाल के अंदर सड़क धसी हुई है। लोक निर्माण विभाग की नाकामी की वजह से यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। जहाँ डंगे लगने चाहिए वहाँ डंगे नहीं लग रहे हैं। वहाँ ड्रम पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रम पर सड़क टिकी है, मेन रोड। वहीं लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग उन जगहों पर दीवार खड़ी करता है जहाँ कोई जरूरत नहीं होती। स्टेट हाईवे रोड है, वो उत्पाल का मुख्य द्वार है। उसका मेन जो थाने के सामने डंगा है वो ड्रमों पर खड़ा किया गया है और यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। उधर विभाग के जेई पीएम चंदेल का कहना है कि धसी हुई सड़क पर जल्द ही नई दीवार खड़ी की जाएगी। जब चौपाल की सड़कों के ये हालात हैं तो फिर दुर्गम क्षेत्रों की सड़कों की दुर्दशा का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके हालात क्या होंगे। राजेंद्र त्यागी, हिमाचल आजकल, चौपाल। कांगड़ा जिले में देहरा में बिजली का करंट लगने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान घिरौटी की गोल्डी के रूप में हुई है। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब गोल्डी किसी काम से बाथरूम की छत पर चढ़ा था। वहां से गुजर रही 11,000 केवी बिजली की तारों से उसे करंट लग गया। करंट इतने जोर से लगा कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिहायशी इलाकों में बिजली की लाइनों की तरफ बिजली बोर्ड का ध्यान क्यों नहीं है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मकान के ऊपर बिजली की तारें थी, अचानक बिजली की तारों के साथ टच होने के कारण बिजली का करंट लग गया और नीचे गिर गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्पॉट पे जाकर के हालात तस्दीक करके जैसी भी कार्रवाई होगी अमल में लाएगी। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक हरभजन मान के नाम रही। हरभजन मान ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति कर दर्शकों का मनोरंजन किया। इस सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि नाहन के विधायक एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष दिले राम रहे। हरभजन मान ने जैसे ही मंच संभाला पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके अलावा प्रदेश के लोक गायकों ने भी अपनी गायकी का लोहा मनवाया। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2, फोन नंबर 09816901200, 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है हिमाचल आजकल @gmail.com।